जारी लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के साइड इफेक्ट से अब राजस्थान को प्रभावित करते नजर आ रहे हैं। दरअसल हांगकांग में 16 सितंबर से दुनिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी फेयर शुरू हो रहा है, लेकिन आंदोलन के कारण इस बार कारोबार पर संकट है। हांगकांग में जारी लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का असर हांगकांग में अगले महीने होने वाली ज्वेलरी फेयर पर भी पड़ सकता है। इसके चलते राजस्थान तक इसकी धमक महसूस की जा सकती है। दरअसल हांगकांग में 16 सितंबर से दुनिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी फेयर शुरू होना है, लेकिन आंदोलन के कारण इस बार कारोबार पर संकट है, जिसका सीधा असर राजस्थान के ज्वेलर्स पर पड़ सकता है। गौरतलब है कि सामान्य परिस्थितियों में फेयर में 100 से अधिक देशों के 54,000 से अधिक विजिटर्स आते हैं, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। आंदोलन के चलते बिगड़े हालात में इस बार फेयर में 40 से 50% तक कम विजिटर्स आने का अनुमान है। विजिटर्स के कम आने पर जयपुर के ज्वेलर्स को 750 करोड़ के नुकसान की आशंका है। आपको बता दें कि जयपुर के निर्यातकों को पिछले साल इस फेयर में 1500 करोड़ के ऑर्डर मिले थे। आंदोलन के कारण इस बार ऑर्डर 50% तक कम रहने की आशंका है। ज्वेलर्स ने एक स्टॉल के लिए 10 से 12 लाख रुपए का एडवांस भुगतान किया है। गौरतलब है कि ज्वेलरी फेयर में हांगकांग के ज्वेलर्स के सबसे ज्यादा 1400 स्टॉल होंगे, जबकि दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर भारत के स्टॉल्स होंगे। फेयर में 54 देशों के निर्यातकों ने 3730 स्टॉल्स बुक कराई हैं। इनमें अकेले जयपुर के ज्वेलर्स के करीब 300 स्टॉल्स हैं। आंदोलन को देखते हुए जयपुर के ज्वेलर्स सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ज्वेलरी एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने आयोजकों से फेयर के आयोजन की तिथि बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन हांगकांग प्रशासन ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद जयपुर के कुछ ज्वेलर्स ने अपनी स्टॉल्स रद्द करा दी हैं। गौरतलब है कि हांगकांग ज्वेलरी फेयर का आयोजन दो चरणों में हो रहा है। पहले चरण में 16 से 20 सितंबर तक हांगकांग एयरपोर्ट परिसर में ही एशिया वर्ल्ड एक्सपो के तहत जेम्स स्टोन का कारोबार होना है, जबकि हांगकांग कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में 22 सितंबर तक ज्वेलरी की स्टॉल्स लगनी है। हालात को देखते हुए फेयर के लिए जयपुर के कुछ ज्वेलर्स का माल मुंबई तक पहुंच गया है, लेकिन आंदोलन के कारण अब वे अपने माल का इंश्योरेंस कराना चाह रहे हैं, मगर हांगकांग के हालात को देखते हुए इंश्योरेंस में प्रक्रिया भी सुस्त पड़ी है। ऐसे में अगर वक्त पर प्रोडक्ट्स का इंश्योरेंस नहीं हुआ तो कुछ और ज्वेलर्स आयोजन से दूरी बना सकते हैं और फिर हालात और खराब हो सकते हैं। गौरतलब है कि हांगकांग ज्वेलरी फेयर का आयोजन दो चरणों में हो रहा है। पहले चरण में 16 से 20 सितंबर तक हांगकांग एयरपोर्ट परिसर में ही एशिया वर्ल्ड एक्सपो के तहत जेम्स स्टोन का कारोबार होना है, जबकि हांगकांग कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में 18 से 22 सितंबर तक ज्वेलरी की स्टॉल्स लगनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।